बदला, लेगा बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनिमे का गोड में। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ में। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं सबका लगता बाप में। सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से गोकू ब्लैक वहां आता है और तहलका मचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक बुलमा को मारने के लिए जाता है, मगर बाकी के डिस्ट्रॉयर वेजिटा की मदद करने आ जाते हैं, लेकिन गोकू ब्लैक आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद बेलमोड वेजिटा को हील करता है और वेजिटा फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है, और बहुत लोग स्टोरी को पूरा देखते नहीं और समझते नहीं है, फिर कमेंट करते हैं कि गोकू ब्लैक कैसे गोकू को मार सकता है। तो स्टोरी को ठीक से और आराम से देखा करो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना यार, कौन से पैसे लगते हैं। ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू ब्लैक और वेजिटा पर। दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। गोकू ब्लैक कहता है, मैं तुम्हारे साथियों को खत्म कर चुका हूँ और तुम्हारा वो दोस्त वो भी कुछ नहीं कर पाया, उसे भी मरना ही पड़ा, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। वेजिटा कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने खड़े हो। तुमने कैकरोड पर पीछे से हमला किया, तुम्हारी फितरत ही धोखा देने की है। गोकू ब्लैक कहता है, सही कहा तुमने कि मेरी फितरत ही धोखा देने की है, तो अब क्या करोगे तुम। तभी वेजिटा अपनी एवोल्यूशन ब्लू में आ जाता है। गोकू ब्लैक कहता है, तुम हमेशा गलत ही ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो। वेजिटा कहता है, तुम्हारे लिए तो यही फॉर्म ही काफी है, क्योंकि तुम एक भगोड़े हो जो कि जेल से भाग कर आए हो। तभी गोकू ब्लैक को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब गोकू ब्लैक वेजिटा पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी वेजिटा एक जोरदार पंच गोकू ब्लैक के मार देता है, जिससे गोकू ब्लैक पीछे हट जाता है। गोकू ब्लैक कहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पंच, ये कौन सी फॉर्म है, क्या तुम कुछ बताना चाहोगे। वेजिटा कहता है, ये है एवोल्यूशन ब्लू सुपर सैयन गॉड। गोकू ब्लैक कहता है, ओह नाइस नाइस, तुम्हारी ये फॉर्म देखकर काफी अच्छा लगा मुझे। कि तभी हमें वेजिटा के पीछे क्लोन गोकू ब्लैक नजर आता है, और वो वेजिटा के पीछे की चार्ज करके खड़ा हो रखा होता है। सामने से गोकू ब्लैक हंसकर कहता है, तुम जाल में फंस गए। मगर तभी उसी वक्त क्लोन गोकू ब्लैक का फेस शॉक में, और देखते ही देखते वो इरेज हो जाता है, और हमें वहां पर दिखाया जाता है अल्ट्रा ईगो क्लोन वेजिटा, जिसने क्लोन गोकू ब्लैक को इरेज किया होता है। अब गोकू ब्लैक वेजिटा का क्लोन देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये टेक्निक इसे कैसे आई। वेजिटा कहता है, इविल, जाल में मैं नहीं फंसा, इस बार मैं तुम्हारे कोई जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। गोकू ब्लैक कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू ब्लैक वेजिटा पर हमला करने जा रहा होता है, मगर उसी वक्त अल्ट्रा ईगो क्लोन वेजिटा गोकू ब्लैक पर पंच कर देता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारे लिए ये क्लोन होगा, मगर ये मेरे लिए स्पिरिट समन पावर है। गोकू ब्लैक कहता है, ये क्या चीज है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। वेजिटा बड़ी ही तेजी से गोकू ब्लैक की तरफ बढ़ रहा होता है, और उसी वक्त वेजिटा को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ बेटे। तभी वेजिटा रुक जाता है और कहता है, कौन है यहाँ पर, किसने मुझे आवाज लगाई। और तभी हमें वहाँ दिखाई देती है वेजिटा की मदर। वेजिटा बोलता है, आप कौन है और मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वो लेडी कहती है, मैं तुम्हारी मदर हूँ वेजिटा। वेजिटा उस लेडी की बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, क्या कहा, आप मेरी मदर हैं। वो लेडी कहती है, हाँ वेजिटा, तुम मेरे ही बेटे हो। वेजिटा कहता है,
नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप झूठ कह रही हो। तभी वेजिटा की मदर वेजिटा को डांटते हुए कहती है, चुप करो तुम, मैं ही तुम्हारी मदर हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वेजिटा कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करने आई हो? तभी वेजिटा की मदर वेजिटा को एक एबिलिटी, वेजिटा की बॉडी एक बार के लिए चमकने लगती है। वेजिटा कहता है, ये क्या हुआ? मेरी पावर्स अचानक से इतनी बढ़ कैसे गई? क्या ये आपकी दी हुई एबिलिटी से हुआ है? वेजिटा की मदर कहती है, मेरे बच्चे, मैं जिस डायमेंशन से आई हूँ वहाँ पर मैं हमेशा तुम्हें याद किया करती थी और तुम्हारी एक पिक्चर मेरे मन में बन गई और मैं उसे ही अपने बच्चे की तरह पालने लगी और अब मैंने ये तुम्हें सौंप दिया है। ये है स्पिरिट समन टेक्निक। इससे तुम अपनी स्पिरिट को बुला पाओगे जो तुम्हारी हर मुश्किल की घड़ी में तुम्हारी मदद करेगा। अब सीन जाता है राइनर पर और वो बोलता है, एओस, यहाँ पर तो जैनोसामा का पैलेस नजर ही नहीं आ रहा है। एओस अब परेशान हो जाती है और कहती है, वो पैलेस तो यहीं पर हुआ करता था, मगर वो गया कहाँ? राइनर कहता है, क्या तुम मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पर मुझे लाई हो? एओस कहती है, नहीं राइनर, वो पैलेस यहाँ पर हुआ करता था। अब सीन जाता है गोकू ब्लैक पर और वो कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक काफी बेहतरीन है, मगर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। अब गोकू ब्लैक अपनी रोज फॉर्म में आ जाता है और अपना क्लोन बना लेता है। गोकू ब्लैक कहता है, अब होगी बराबरी। तभी क्लोन गोकू ब्लैक स्पिरिट वेजिटा के साथ फाइट करने लगता है और दोनों में ही बहुत ही तेजी से फाइट हो रही होती है। वेजिटा गोकू ब्लैक को देख रहा होता है और सोचता है, अजीब बात है, ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे हुआ कि ये अकाई पावर से लड़ पा रहा है। तभी गोकू ब्लैक वेजिटा पर हमला करता है और वेजिटा भी गोकू ब्लैक पर हमला करता है। अब चारों फाइट करने लगते हैं, वो भी बहुत ही तेजी से। वेजिटा का स्पिरिट गोकू ब्लैक के साथ बराबरी की फाइट कर रहा था और वेजिटा अपनी एवोल्यूशन फॉर्म से भी गोकू ब्लैक से फाइट कर रहा था। गोकू ब्लैक वेजिटा पर अपने वेपन से कई वार करता है, मगर वेजिटा अपनी एवोल्यूशन ब्लू बैरियर से गोकू ब्लैक के अटैक से बचता रहता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों मर गया? व्हाइट गोकू कहता है, इसलिए मैंने कहा था कि सुसानो को रहने दो, वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। गोकू कहता है, तो क्या अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ? प्लीज मेरी हेल्प करो। व्हाइट गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो। गोकू कहता है, वहाँ मेरे लोग मुसीबत में हैं और तुम कह रहे हो कि टेंशन मत लो। व्हाइट गोकू कहता है, पहले मेरी बात तो सुन लो। गोकू कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो? व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हें भले ही अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है, मगर मुझे है, इसलिए तुम मरे तो हो मगर तुम पूरी तरह से मरे नहीं हो। गोकू कहता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। व्हाइट गोकू कहता है, इसे तुम मोबाइल या कंप्यूटर की तरह समझ लो कि जब हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट परमानेंट नहीं होती है, वो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। गोकू कहता है, ओके तो मेरा इससे क्या कनेक्शन है? व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हारा इससे ये कनेक्शन है कि तुम भी मरे नहीं हो बल्कि तुम रिसाइकल बिन में हो। गोकू कहता है, मतलब कि मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ? व्हाइट गोकू कहता है, हाँ तुम जिंदा हो सकते हो और जब जब तुम्हारी मौत होगी तो तुम यहाँ पर मेरे पास आओगे। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ऐसी बात है तो मुझे वापस भेज दो। व्हाइट गोकू कहता है, मगर उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। गोकू फिर से नाराज हो जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो अभी तक गोकू ब्लैक से फाइट में लगा है। अब स्पिरिट वेजिटा क्लोन गोकू ब्लैक को इरेज कर देता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, मतलब कि इसके क्लोन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तभी वेजिटा और स्पिरिट वेजिटा दोनों ही गोकू ब्लैक पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त गोकू ब्लैक अपने हमले से दोनों पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है।
जिससे वजीटा और स्पिरिट वजीटा दोनों ही पीछे हट जाते हैं। वजीटा कहता है, ये काफी पावरफुल है, मुझे भी अब अपनी पावर यूज करनी होगी। तभी वजीटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है इविल? गोकू ब्लैक स्माइल करता है और कहता है, तुम दोनों आ सकते हो मुझसे लड़ने। तभी दोनों वजीटा गोकू ब्लैक पर वार करने के लिए आगे जाते हैं, मगर गोकू ब्लैक टेलीपोर्ट हो जाता है और दोनों वजीटा पर एसिड रेन करवा देता है। वजीटा कहता है, ये क्या एसिड रेन, इससे तो बहुत ही तकलीफ हो रही है। लेकिन तभी स्पिरिट वजीटा गोकू ब्लैक को मारने के लिए जाता है, तभी गोकू ब्लैक उस पर अपने वेपन के वार से उसे पीछे कर देता है। गोकू ब्लैक अब वजीटा को देखकर कहता है, क्या हुआ, और फाइट नहीं करोगे? वजीटा कहता है, तुझे तो मैं। तभी गोकू ब्लैक एक कामेहामेहा चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर स्पिरिट वजीटा समझ जाता है कि ये कि गोकू ब्लैक अपना खतरनाक हमला करने वाला है। तभी गोकू ब्लैक अपना कामेहामेहा वजीटा पर मारता है, लेकिन तभी बीच में स्पिरिट वजीटा आ जाता है और उसे वो कामेहामेहा लग जाता है और अब वो गायब हो जाता है। वजीटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने मेरी मॉम की दी हुई स्पिरिट को खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वजीटा का रेज उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वजीटा की वो हिडन पावर अब बाहर आ जाती है, जिसे वजीटा अब बदल जाता है द ओमनी गॉड वजीटा में। वजीटा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में आ चुका है और वो खुद ही इस सक्सेस को देखकर खुश होता है और हंसने लगता है। वजीटा खुद से ही कहता है, आखिर तुम बाहर आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुमने आज सही समय पर आकर मेरा प्राइड और भी ऊपर कर दिया। गोकू ब्लैक कहता है, हाँ एक और फॉर्म। वजीटा अभी भी खुद से ही कहता है, आखिर तुम इतने दिन से कहाँ थे? गोकू ब्लैक वजीटा को देखकर कहता है, ओए क्या तुम पागल वागल हो गए हो, ये किस तरह की हरकत कर रहे हो? वजीटा स्माइल करते हुए कहता है, तुमने आज अपनी जिंदगी की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। गोकू ब्लैक कहता है, तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो या तुम कितनी भी पावर ट्रांसफॉर्म हो जाओ, आज तुम्हारी मौत पक्की है। वजीटा हंसता है और कहता है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारेगा। तभी गोकू ब्लैक वजीटा की तरफ भड़ने की कोशिश करता है, मगर गोकू ब्लैक वजीटा की तरफ जा ही नहीं पाता। गोकू ब्लैक कहता है, ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वजीटा कहता है, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम कितनी परेशानी में हो, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुमने डेथ वर्ल्ड से भागकर बड़ी गलती कर दी, अगर तुम वहाँ रहते तो कम से कम तुम जिंदा तो रहते। गोकू ब्लैक कहता है, ये क्या है, मेरी पावर्स वर्क क्यों नहीं कर रही है? वजीटा कहता है, मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर दया आ रही है, क्या कहते हो, छोड़ दो तुम्हें? गोकू ब्लैक अब गुस्से में कहता है, ये मेरी कितनी बेइज्जती कर रहा है, पता नहीं वो एओस कहां मर गई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आराम से शांति से इसे संभालना होगा, इस वक्त ये पागल हो चुका है। अब गोकू ब्लैक शांत होकर स्माइल करता है और अपने क्लोन बना लेता है, वो भी एक नहीं कई सारे, और वो वजीटा को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब वजीटा उन सभी क्लोन्स को देखता है, लेकिन उसके चेहरे से स्माइल जाती नहीं। गोकू ब्लैक कहता है, इतने लोगों को देखकर भी तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है, तुम अभी भी हंस रहे हो। वजीटा हंसते हुए कहता है, तुम्हारी भीड़ को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। गोकू ब्लैक पूछता है, कैसी बात? वजीटा कहता है, गीदड़ हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, मगर शेर अकेला ही शिकार करता है, और तुम सभी गीदड़ों को मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूंगा। तभी उनमें से एक गोकू ब्लैक कहता है, अरे ये बस बकवास कर रहा है। लेकिन इतना कहते ही वो इरेज हो जाता है और हम देखते हैं कि वजीटा ने ही उसे इरेज किया था। वजीटा कहता है, ज्यादा बात मत करो गीदड़ो, मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट है।
वेजिटा उड़ते हुए जाता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वेजिटा बिजली बनकर उन सभी गोकू ब्लैक पर गिरने लगता है, जिससे सभी गोकू ब्लैक इरेज हो जाते हैं। अब गोकू ब्लैक ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है। वेजिटा कहता है, तुमने मेरे दोस्तों को खत्म किया, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। गोकू ब्लैक कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तभी गोकू ब्लैक अपने कामेहामेहा से एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर वेजिटा घुस जाता है। और तभी गोकू ब्लैक उस ब्लैक होल को बंद कर देता है और हंसने लगता है। अब आया ना मजा, क्या बोल रहे थे कि तुम मुझे मारोगे। लेकिन तभी वो ब्लैक होल दोबारा से खुलता है और उसके अंदर से ओमनी गॉड वेजिटा बाहर निकलता है। और ये सीन देखकर तो गोकू ब्लैक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, ये हो ही नहीं सकता है। तभी उसी वक्त गोकू ब्लैक के एक जोरदार झटका लगता है, जिससे वो दूर उड़ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। गोकू ब्लैक कहता है, आह, इसने मेरे ही ब्लैक होल को कैसे खोल दिया। वेजिटा हंसता है। एक बात तुम ध्यान में रख लो, ओमनी गॉड वेजिटा को कोई भी किसी भी जगह में कैद नहीं कर सकता। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसे मैं खोल नहीं सकता हूँ। गोकू ब्लैक कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम हार ना मानो, इसलिए तो मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि जितना तुम्हें डेथ वर्ल्ड में भी नहीं तड़पाया होगा। गोकू ब्लैक कहता है, नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। वेजिटा कहता है, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। तभी वेजिटा गोकू ब्लैक पर एसिड रेन करवा देता है, जिससे गोकू ब्लैक को दर्द होने लगता है। गोकू ब्लैक कहता है, आह, ये मेरे ही हमले मुझ पर इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटा कहता है, टाइम आ गया है अब बच्चू तुम्हारे यहाँ से जाने का। अब सीन जाता है एओस पर और वो कहती है, नहीं, मैं जैनो को मारे बिना यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। तभी एओस अपनी सबसे पावरफुल पावर का यूज करती है, जिससे जैनो का पैलेस नजर आता है। एओस बोलती है, राइनर, यहाँ आओ, ये देखो, मैंने कहा था ना कि जैनो का पैलेस यहीं पर है। राइनर कहता है, तुमने उन्हें ढूंढ निकाला, वाह, आज तुमने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब अंदर से जैनो कहते हैं, ओह नो, अब क्या होगा, उन्होंने तो पैलेस को ढूंढ निकाल दिया। दूसरा जैनो कहता है, तो अब क्या वो हमें खत्म कर देंगे। पहला जैनो कहता है, पता नहीं। तभी बाहर से आवाज आती है, दोनों जैनो जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मुझे इस पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैनो कहते हैं, अब हम क्या करेंगे। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मेडिटेशन करके सब देख रहा होता है कि जैनो अब खतरे में आ गया है। तभी व्हाइट गोकू बोलता है, उठ जाओ गोकू, तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब तुम वापस जा सकते हो। गोकू कहता है, क्या मैं सच में जा सकता हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, हाँ जाओ, और इस बार ध्यान रखना। गोकू कहता है, ठीक है, अब मैं पूरा ध्यान दूंगा। अब सीन जैनो पर जाता है और वो घबराए हुए होते हैं। राइनर कहता है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, इसके बाद तुम्हारा पैलेस तबाह हो जाएगा। जैनो बोलते हैं, अब हमें कौन बचाएगा, गोकू तुम कहाँ चले गए हो। और फिर उसी वक्त जैनो के सामने गोकू आ जाता है। गोकू कहता है, हेलो जैनी, कैसे हो। जैनो गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, गोकू तुम आ गए। गोकू कहता है, मेरे दोस्त मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है। राइनर अब काउंट करने लगता है, 1, 2। गोकू कहता है, अब आप दोनों आराम करिए और मैं इसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। राइनर कहता है, 3, अब बस बहुत हुआ। राइनर अब अपनी की चार्ज करने लगता है और वो इतना एनर्जी चार्ज कर लेता है, जिससे जैनो का पैलेस आराम से तबाह हो जाएगा। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू ब्लैक की हालत एकदम खराब कर देता है। अब वेजिटा गोकू ब्लैक पर मारने के लिए अपनी की को चार्ज करता है। वेजिटा कहता है,
तुमने बहुत ही ज्यादा गलती कर दी है, तो अब मरो। तभी वेजिटा गोकू ब्लैक पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है, जिससे गोकू ब्लैक नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है, खेल खत्म हो चुका है तुम्हारा। और ग्रीन जाता है राइनर पर और वो जैनो के पैलेस पर अपना अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को अपनी पावर से गायब कर देता है। राइनर कहता है, ये क्या, मेरी एनर्जी से पैलेस को कुछ भी नहीं हुआ। तभी एओस कहती है, राइनर वो देखो वहाँ पर। अब राइनर गोकू को देखता है और कहता है, ये तो वही सेन है ना। एओस कहती है, राइनर ये वही है जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। गोकू कहता है, ओह तो तुम भी यहाँ पर हो, तुम दोनों ने मल्टीवर्स को क्या समझ रखा है कि यहाँ पर कोई भी हमला करके कब्जा कर लेगा? क्या तुम यहाँ आने से पहले यहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं करते हो क्या? राइनर कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी राइनर गोकू पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो ब्लास्ट गोकू तक पहुँचने से पहले ही फट चुका होता है। गोकू कहता है, तुम्हारा वार मुझे छू तक नहीं पाया। एओस ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, आखिर तुम हो कौन? गोकू कहता है, मेरा एक नाम हो तो मैं तुमको बताऊं। कई लोग मुझे कैकरोट बुलाते हैं, कई लोग मुझे गोकू बुलाते हैं, कईयों के लिए मैं ग्रैंड मिनिस्टर हूँ और कईयों के लिए सेवियर ऑफ द मल्टीवर्स। एओस कहती है, इसका मतलब तुम वही योद्धा हो जो मल्टीवर्स में एक बार पैदा होता है। गोकू कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अब तुम में से यहाँ से बच के कोई भी नहीं जाने वाला है। राइनर कहता है, अब बचेगा तो ये मल्टीवर्स नहीं, क्योंकि मैं इस पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर दूंगा। तभी राइनर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। एओस कहती है, तुमने राइनर को गुस्सा दिला दिया है। अब राइनर मल्टीवर्स के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर अपनी की चार्ज करने लगता है और कहता है, अब सब के सब मरोगे, अगर ये मल्टीवर्स मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। राइनर अपनी की चार्ज करता है और मल्टीवर्स के ऊपर छोड़ देता है, मगर गोकू उसी वक्त मल्टीवर्स पर ही एक शील्ड बना देता है जिससे मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, राइनर अब तुम मल्टीवर्स को कुछ नहीं कर सकते हो। राइनर तभी वहां से गायब हो जाता है और वो उस प्लेस में घुस जाता है जहां से वो आया होता है। गोकू कहता है, वो कहां गया? तभी गोकू वापस से जैनो के पास जाता है और कहता है, जैनी वो पता नहीं कहां चला गया, मुझे तो उसकी की भी सेंस नहीं हो रही है। तभी दूसरा जैनो एओस को पकड़ लेता है और कहता है, एओस तुम यहां पर? गोकू कहता है, क्या तुम इसे जानते हो जैनी? एओस कहती है, ये क्या मुसीबत है, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने इस पैलेस को बाहर से निकालने में सारी शक्ति लगा दी। जैनो कहता है, हाँ गोकू मैं इसे जानता हूँ, ये हमारी दुश्मन है, एक बार इसने हमारे खिलाफ प्लान बनाया था और ये उन इविल्स यूनिवर्स के साथ ही थी। गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मगर ये बच कैसे गई? जैनो कहता है, ये भाग गई थी, मैंने अपने गार्ड्स को इसे ढूंढने के लिए भेजा मगर ये मिली ही नहीं। एओस कहती है, हाँ मैं उस इविल यूनिवर्स के साथ मिली हुई थी मगर ये जैनो बच गया, पता नहीं इसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। गोकू कहता है, ओ नाइस, तो जैनी ये अभी भी यही है, तो तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर लो। एओस अब घबरा जाती है। अब जैनो एओस को इविल स्माइल से देखता है और कहता है, गोकू तुमने सही कहा, हा, 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 अब मैं इससे उस दिन का बदला लूंगा जो मैं नहीं ले पाया था। अब दूसरा जैनो कहता है, हाँ मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। गोकू कहता है, तो नेक काम में देरी कैसी, जैनी तुम एओस से अपना बदला ले लो। जैनो अब हंसने लगता है। एओस डर के मारे गोकू से कहती है, गोकू मुझे बचा लो प्लीज। गोकू कहता है, तुम मुझसे क्यों मदद मांग रही हो? जैनो कहता है, हाँ गोकू सही कहा तुमने, इसे अब हम पर छोड़ दो। एओस कहती है, नो गोकू प्लीज, तुम्हें एक लेडी को बचाना ही होगा।
गोकू कहता है, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? तुम्हें बचाने के बाद भी तुम बुरे काम ही करोगी, तो बुरे को तो बुरा ही मिलता है। एओस कहती है, मैं समझ गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अब सारे बुरे काम छोड़ दूंगी। गोकू कहता है, ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे राइनर का पता बताना होगा कि वो कहाँ गया है। एओस कहती है, नहीं मुझे नहीं पता है। गोकू कहता है, जेनी तुम रुक क्यों गए, चलो अपना बदला लो। जेनी कहता है, ओके गोकू, आज इस एओस की हड्डी पसली एक कर देंगे हम। एओस कहती है, नहीं मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। गोकू कहता है, जल्दी बताओ, हमारे पास समय कम है। एओस कहती है, वो राइनर अपने उस जगह के अंदर जाकर छुपा है, वही मैजिकल जगह। गोकू कहता है, ऑल राइट जेनी, बस अब रुक जाओ। जेनी कहता है, यार मैं तो एक्टिंग काफी अच्छी करने लगा हूँ। दूसरा जेनो कहता है, हाँ तुम्हें तो हॉरर मूवी में भूत का रोल मिलना चाहिए। गोकू कहता है, तो बताओ एओस, वो कौन सी जगह पर मिलेगा। एओस कहती है, वही जगह जहाँ पर जेनो के गार्ड्स इरेज हुए थे, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने से पहले उन सभी मैजिकल प्लेसेस को खत्म करना होगा, तभी उस जगह में तुम जा पाओगे। गोकू कहता है, ऐसा क्यों? एओस बताती है, अगर तुम उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो वो जगह तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी हमेशा के लिए, और फिर तुम हमेशा के लिए अपनी पावर को खो दोगे, क्योंकि वो प्लेस तुम्हारी पावर को उन 12 मैजिकल में बांट देगी, जिससे वो आराम से तुम्हारी पावर को हैंडल कर लेंगे। गोकू स्माइल करता है और कहता है, वाह एओस, तुमने तो मुझे एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है, वेरी गुड। अगर तुम मुझे इतनी जानकारी नहीं देती तो मैं आज आगे नहीं बढ़ पाता। क्या कहते हो जेनी, एओस को माफ कर दें? जेनो कहता है, हाँ गोकू, अब ये इतनी मदद ही कर रही है तो हमें इसे माफ कर देना चाहिए। एओस स्माइल करती है और कहती है, मुझे आज पता चल गया है कि अच्छे दोस्तों के साथ मैं हमेशा सेफ रहूंगी, वरना अभी तक तो वो लोग मुझे मार चुके होते। गोकू कहता है, अच्छा हुआ कि वक्त रहते तुम्हें अकल आ गई है, अब मैं चलता हूँ उस राइनर को खत्म करने के लिए। अब सीन जाता है राइनर पर और वो कहता है, हा, 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 वो मुझे यहाँ पर तो नहीं ढूंढ सकता है, मुझे कभी भी नहीं वो पकड़ सकता। कुछ देर बाद गोकू राइनर के सामने आता है, जिसे देखकर राइनर को हैरानी होती है और वो कहता है, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए हो? गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ चुप कर बैठे रहोगे तो बच जाओगे? मैंने तुम्हारे सारे मैजिक प्लेसेस एब्जॉर्ब कर लिए हैं और अब यहाँ की बारी है। राइनर कहता है, क्या उन सभी जगह को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया? गोकू कहता है, हाँ। राइनर बोलता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तुम इतनी एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो? तभी गोकू राइनर को उसी वक्त उस जगह को ऑब्जर्व करके दिखाता है और गोकू उस जगह को बड़े ही आराम से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे देखकर तो राइनर को यकीन ही नहीं होता। गोकू कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है राइनर, रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। गोकू कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर मुझे इतना बता दो कि ग्रैंड मिनिस्टर को किसने मारा था? राइनर स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं अभी सच बताता हूँ, वो ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने नहीं मारा था, बल्कि उसे तो गोकू ब्लैक ने मारा था। गोकू पूछता है, गोकू ब्लैक उन्हें कैसे मार सकता है, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइनर कहता है, कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर पीठ पर किया गया वार ऐसा होता है जिसके घाव से हर किसी की मौत हो जाती है। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम लोगों ने उनके भी पीठ के पीछे ही वार किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राइनर कहता है, नहीं रुको, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी गोकू कहता है, इरेज, और राइनर अब इरेज हो जाता है। गोकू बोलता है, तुमने मुझे सिखा दिया कि दुश्मन को हर बार चांस नहीं देना चाहिए, वरना वो पीठ पीछे वार ही करता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो देखता है कि अब गोकू ब्लैक मर चुका है। वेजिटा कहता है, आखिर में
तुम्हारा अंत हो ही गया। वजीटा नॉर्मल हो जाता है और वापस से जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी कुकू ब्लैक की बॉडी स्माइल करती है और वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और वजीटा के पीठ पीछे वार करने को रेडी हो जाता है, मगर अचानक से गोकू ब्लैक के पीछे आ जाता है। वजीटा गोकू ब्लैक को देखकर कहता है, ये अभी भी मरा नहीं। गोकू ब्लैक कहता है, तुम शायद भूल गए हो कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और मैं डेथ वर्ल्ड से आया हूँ। वजीटा कहता है, कैकरोट, इसके पीछे तुम क्या कर रहे हो? अब गोकू ब्लैक गोकू को अपने पीछे देखता है और कहता है, तुम यहाँ पर? गोकू कहता है, हाँ मैं देख रहा था कि तुम अभी क्या करने वाले हो। गोकू ब्लैक कहता है, क्या मतलब? गोकू कहता है, मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम बस पीछे से वार करना जानते हो। गोकू ब्लैक कहता है, क्या, तुम्हें ये कैसे पता? गोकू कहता है, मुझे तो ये भी पता चल गया कि तुमने ही ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे से वार करके उनकी जान ली थी। वजीटा को गोकू ब्लैक की करतूत सुनकर काफी गुस्सा आता है। गोकू ब्लैक बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? गोकू कहता है, मुझे तुम्हारे साथी राइनर ने बताया। गोकू ब्लैक कहता है, क्या, राइनर, तुमसे वो मिला था? गोकू कहता है, हाँ मगर अफसोस वो अब जिंदा नहीं है, तुम्हारे सभी साथी तुम्हें छोड़ चुके हैं। गोकू ब्लैक कहता है, आह, तुमने आज फिर मुझे हरा दिया। अब गोकू ब्लैक ऊपर ब्लैक कामयामया मारने की कोशिश करता है, तभी गोकू अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे गोकू ब्लैक गोकू के पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। वजीटा कहता है, कैकरोट, वो कहाँ गया? गोकू कहता है, उसे मैंने उसकी सही जगह पर भेज दिया है वजीटा, अब सब ठीक हो चुका है। अब सीन जाता है गोकू ब्लैक पर और वो कहता है, ये मैं कहाँ हूँ? तभी अचानक से गोकू ब्लैक के सिर पर व्हाइट गोकू हाथ रखता है और कहता है, तुम मेरी शरण में हो ईविल। गोकू ब्लैक व्हाइट गोकू की आवाज सुनकर और उसकी होली पावर्स को सेंस करके बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? व्हाइट गोकू कहता है, यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी व्हाइट गोकू अपनी होली पावर का यूज करता है जिससे गोकू ब्लैक का माइंड ब्लैंक हो जाता है और व्हाइट गोकू उसे अपने साथ ले जाता है। और वजीटा अब अपने तबाह हो रखे शहर को देखते हैं। वजीटा कहता है, एक और लड़ाई में हमने जीत हासिल कर ली है। गोकू कहता है, हाँ मगर हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। वजीटा कहता है, तो क्या तुम उन्हें वापस नहीं ला सकते हो? गोकू कहता है, कहना मुश्किल है मगर मैं ट्राई करता हूँ। और अब गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में दोबारा से आता है और कहता है, मेरी ट्रू पावर, इस वक्त जितने भी डिस्ट्रॉयर यहाँ पर मारे गए हैं उन्हें वापस लाओ और जितनी भी यहाँ पर तबाही मची है उसे ठीक कर दो। अब गोकू के माइंड में सब कुछ क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते सिटी एकदम सही हो जाती है और एक एक करके वो डिस्ट्रॉयर भी वापस आ जाते हैं। क्यूटेला कहता है, हाँ, क्या मैं जिंदा हूँ? चैंपा कहता है, हम तो वापिस आ गए। बीरस कहता है, गोकू तुम वापिस आ गए। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस आपको दोबारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। सिट्रा कहता है, इसका मतलब कि अब हम जीत गए हैं। वजीटा कहता है, हाँ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना साथ दिया। गोकू कहता है, और मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ वजीटा कि तुमने मेरे आने तक इस सिचुएशन को संभाला। आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम भी अकेले मल्टीवर्स को बचा सकते हो। अब हम देखते हैं कि बेलमोंड वहाँ पर सभी की बातें छुपकर सुन रहा होता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। बेलमोंड कहता है, मल्टीवर्स एक बार फिर से बच गया, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे साथी जिंदा हैं, लेकिन मैं लड़ नहीं पाया, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। तभी वजीटा कहता है, कैकरोट, यहाँ पर एक और शख्स है और जिसने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। गोकू कहता है, वजीटा कौन है वो? वजीटा कहता है, बेलमोंड बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यही कहीं छुपे हो। बेलमोंड कहता है, क्या मैं? अब चैम्बा और क्यूटेला को बहुत ही हैरानी होती है कि बेलमोंड वहां पर था। चैम्बा कहता है, बेलमोंड ने तुम्हारी मदद करी वजीटा, क्या ये सच है? वजीटा कहता है,
फेलमोड, आज तुमने साबित किया है कि मुसीबत में तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। बेलमोड कहता है, अरे मैंने क्या किया है वजीटा? वजीटा कहता है, तुम अगर मुझे हील नहीं करते तो मैं अपनी मदर से कभी भी नहीं मिल पाता। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वजीटा, तुम्हारी मदर? वजीटा कहता है, हाँ मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से आई, लेकिन उनकी वजह से ही मैं उस गोकू ब्लैक को रोक पाया। मुझे अब विश्वास है कि वो हमेशा मुझे देख रही है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब सब ठीक हो गया तो सभी खुशी खुशी रहो। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, तो भाइयों और बहनों, आप सभी जहां भी हो सभी अपने घर जा सकते हो, क्योंकि अब खतरा टल चुका है, सिटी फिर से सही हो चुकी है। गोकू कहता है, वजीटा ये न्यूज इतनी जल्दी कैसे न्यूज वालों को पता चल गई? वजीटा कहता है, कैकरोट तुम तो जानते हो कि ये सभी रिपोर्टर्स न्यूज को कलेक्ट करने के लिए कहीं भी आ जाते हैं। गोकू कहता है, चलो अब खुद जाकर हमको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। अब सभी लोग अपने शहर में वापस आ जाते हैं और फिर से आराम से रहने लगते हैं। तभी बुलमा आती है, वजीटा क्या ये सब ठीक हो गया है? वजीटा कहता है, हाँ बुलमा तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। चैम्पा क्यूटेला से कहता है, ये लड़की कौन है? क्यूटेला कहता है, अरे होगी कोई, वजीटा की सेक्रेटरी। तभी बुलमा गुस्से में कहती है, ओए चूहे, तुमने किसे सेक्रेटरी कहा? मैं यहाँ की सबसे अमीर लेडी हूँ समझे, और तुम जैसे चूहों को मैं खाने में जहर देकर मरवा देती हूँ। चैम्पा अब बुलमा की बातें सुनकर घबरा जाता है। वजीटा कहता है, बुलमा तुम्हें पता भी है ये सब कौन है? ये सभी द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? बुलमा कहती है, वो तो तुम भी हो, तो तुमने क्या उखाड़ लिया? वजीटा कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ? बीरस कहता है, हमें अब चलना चाहिए डिस्ट्रॉयर्स। चैम्पा कहता है, बीरस अब चलते हैं और इस बारी मेरे अर्थ में आ जाना, वहाँ पर मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। अब सभी गोड्स वहाँ से चले जाते हैं और अर्थ पर फिर सब ठीक हो जाता है। वजीटा कहता है, मगर कैकरोट तुम शायद एक शख्स को भूल रहे हो। गोकू पूछता है, किससे वजीटा? वजीटा कहता है, तुम ग्रैंड मास्टर को जिंदा करना भूल गए हो कैकरोट। गोकू कहता है, अरे हाँ ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, रुको एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। अब गोकू फिर से अपनी ट्रिप पावर में आता है और अपनी आंखों को बंद करता है, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को रिवाइव नहीं कर पाता। गोकू अपनी आंखें खोलता है और कहता है, वजीटा मैं ग्रैंड मिनिस्टर को रिवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। वजीटा कहता है, मगर क्यों कैकरोट, तुम तो उन्हें पहले भी एक बार रिवाइव कर चुके हो। गोकू कहता है, मगर मैं उन्हें पता नहीं क्यों रिवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। वजीटा कहता है, इसके बारे में हमें बाद में पता करना होगा, अभी के लिए जाओ और आराम करो। अब गोकू और वजीटा अपने अपने घर में चले जाते हैं। गोकू कहता है, हेलो एवरीबॉडी, मैं घर वापस आ गया हूँ। चीची कहती है, गोकू तुम घर आ गए, मैंने सुना कि शहर में बहुत बड़ी तबाही हुई थी। गोकू कहता है, हाँ चीची, मगर तुम चिंता मत करो, हर बार की तरह मैंने और वजीटा ने मिलकर सब ठीक कर दिया है। चीची कहती है, बहुत बढ़िया गोकू। गोकू कहता है, तो अब मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। चीची कहती है, ठीक है तुम सो जाओ, तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ। गोकू अब अपने रूम में जाता है, मगर उसी वक्त गोकू का फेस शॉक्ड में बदल जाता है और वो घबरा कर चीची से कहता है, चीची मेरे बेड पर कोई नीला रंग का जानवर सो रहा है। चीची कहती है, ओह वो कोई जानवर नहीं है गोकू, दरअसल गोटे ने उसे यहाँ लाया है। गोकू पूछता है, अच्छा मगर ये है क्या? चीची कहती है, दिख नहीं रहा, ये एक टॉय है। गोकू कहता है, ऐसा भी कोई टॉय होता है क्या? चीची कहती है, हाँ मैंने गोटेन से कहा था, मगर वो इसे घर ले आया और इसकी वजह से वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था, तो मैंने इसे गोटेन से लेकर तुम्हारे रूम में रख दिया। गोकू कहता है, यार इसने तो मेरी नींद ही भगा दी, तुम खाने की तैयारी करो, मैं तब तक मास्टर रोशी से मिलकर आता हूँ।
चीची कहती है ओके जल्दी आना। अब गोकू वहां से चला जाता है और हमें वो टॉय सोता हुआ नजर आता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। अब सीन जाता है रोशी पर और गोकू उससे मिलता है। मास्टर रोशी कहता है गोकू तुम वापस से आ गए हो। गोकू कहता है हाँ मास्टर रोशी मगर मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। मास्टर रोशी कहता है कैसे प्रॉब्लम गोकू। गोकू कहता है मास्टर रोशी मैं सबको रिवाइव कर चुका हूँ मगर ग्रैंड मिनिस्टर को मैं रिवाइव नहीं कर पा रहा हूँ। मास्टर रोशी कहता है क्या कह रहे हो तुम ग्रैंड मिनिस्टर जिंदा नहीं है। गोकू कहता है हाँ मास्टर रोशी और मेरी पावर से मैं उन्हें जिंदा नहीं कर पा रहा हूँ। मास्टर रोशी अब सोचने लगता है और काफी देर तक सोचने के बाद मास्टर रोशी कहता है गोकू क्या तुम्हें कंफर्म ये मालूम है कि ग्रैंड मिनिस्टर की डेथ हुई है। गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। मास्टर रोशी कहता है मतलब ये सारी बात तुम्हें किसने बताई है। गोकू कहता है मुझे तो वजीटा से इस बात का पता चला। मास्टर रोशी पूछता है और वजीटा को ये कैसे पता चला। तभी वहां पर वजीटा आता है और कहता है मुझे ये बात जैनो के गार्ड से पता चली। गोकू कहता है वजीटा तुम यहाँ पर। वजीटा कहता है हाँ मैं भी इस बारे में रोशी से बात करने के लिए आया था। मास्टर रोशी कहता है मगर क्या गार्ड्स ने खुद देखा था कि ग्रैंड ब्रिस्ट अब नहीं रहे। वजीटा कहता है नहीं वो तो बस एक ही बात कर रहे थे कि वहां पर ग्रैंड मिनिस्टर की सेंस नहीं हो रही है इसलिए वो मारे गए हैं। मास्टर रोशी कहता है गोकू ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे तुम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो वो पहले से ही जिंदा हो। अब ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। सो गाइस वो अब जाता है जैनो के पैलेस में और वो जैनो के दोनों गार्ड्स को जिंदा कर चुका है ताकि गोकू को अपने सवालों का जवाब मिल सके। जैनो कहता है गोकू तुमने इन दोनों निठल्लों को क्यों जिंदा किया इनके मरने से तो मैं बहुत ही खुश था। गार्ड सब शॉक्ड होकर कहते हैं जैनो जामा आप ये सब क्या कह रहे हो। जैनो कहता है और नहीं तो क्या तुम लोग मेरी प्रोटेक्शन के लिए हो या मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हूँ। गोकू कहता है जैनी मैं यहाँ पर कुछ जरूरी काम से आया हूँ। जैनो बोलता है ओ कहो गोकू क्या जरूरी काम है। गोकू कहता है गार्ड्स मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि तुम लास्ट टाइम ग्रैंड ब्रिस्ट के बारे में कुछ जानते थे क्या। गार्ड्स कहता है नहीं सर। तभी दूसरा गार्ड कहता है अरे क्या नहीं हमने लास्ट टाइम उन्हें मैजिकल जगह से जगह में जाते हुए देखा था और उसके बाद हमें उनकी की ही सेंस नहीं हुई। गोकू कहता है इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो। जैनो कहता है मैं कह रहा था ना गोकू ये लोग बस टाइम वेस्ट के लिए बने हैं। गोकू कहता है जैनी मैं इस वक्त थोड़ा सीरियस हूँ और तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो। जैनो कहता है ठीक है गोकू। गोकू अब सोचने लगता है आखिर ग्रैंड मिनिस्टर अचानक से कहाँ जा सकते हैं। जैनो बोलता है गोकू एक काम करो तुम एओस से क्यों नहीं पूछ लेते हो वो तो वहीं पर ही थी ना। गोकू कहता है ऐसा कर लेते हैं। अब जैनो अपने गार्ड से कहता है गार्ड्स जाओ और एओस को यहाँ लेकर आओ। गार्ड्स कहते हैं जी जैनो सामा हम उस एओस को घसीटते हुए लेकर आते हैं। तभी दूसरा जैनो कहता है क्या हमने ऐसा कहा तुमसे कि तुम उसे घसीट कर ले गिर आओ। गार्ड्स कहते हैं नहीं तो। जैनो कहता है तो तुम फिर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। गोकू कहता है तुम दोनों एओस को इज्जत के साथ यहाँ लेकर आओ। गार्ड्स कहते हैं जी सर हम अभी जाते हैं। अब गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। जैनो कहता है गोकू तुम अचानक से डाई के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हो। गोकू कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ जैनी की ग्रैंड प्रिस्ट जिंदा है। जैनो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब सीन जाता है एओस पर और वो क्रोनोवा से मिलती है। एओस कहती है क्रोनोवा तुम एक बहुत ही अच्छी कायोशिन हो तुमने सच्चाई का साथ दिया भले ही तुम्हारी पावर्स कम थी मगर तुमने सच का साथ नहीं छोड़ा। क्रोनोवा कहती है मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है लेडी एओस की आप भी अब सही हो गई हो और आपने भी सच का ही साथ दिया। तभी दोनों गार्ड्स वहाँ आते हैं और कहते हैं लेडी एओस हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। एओस पूछती है
क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती कर दी है क्या? गार्ड्स कहते हैं, नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है, बल्कि आपको तो ग्रैंड मिनिस्टर गोकू और जैनोसामा ने सम्मान के साथ बुलाने के लिए कहा है। क्रोनोवा स्माइल करती है, देखा लेडी एओस, अच्छाई के रास्ते में लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं। एओस कहती है, तुमने सही कहा क्रोनोवा, चलो गार्ड्स। अब गार्ड्स और एओस वहां से चले जाते हैं और अब वो जैनो के पैलेस में आ जाते हैं। गोकू कहता है, एओस तुम आ गई। एओस कहती है, क्या बात है गोकू सामा, आपने मुझे याद किया। जैनो कहता है, हाँ याद तो मैं भी बहुत ही कर रहा था। गोकू कहता है, जेनी मैंने कहा था ना मजाक बाद में। एओस कहती है, कहिए गोकू सामा। गोकू अब एओस से ग्रैंड पृष्ठ की सारी बात पूछता है और कहता है, एओस क्या तुमने उस मैजिकल जगह में ग्रैंड मिनिस्टर डाइसिंगिन को देखा था? एओस कहती है, ओ डाइसिंगिन गोकू सामा, उन पर तो गोकू ब्लैक ने एक जोरदार वार किया था। गोकू कहता है, इसका मतलब कि वो वहीं पर थे। जैनो कहता है, एओस तो क्या वो मर गया था? एओस कहती है, पता नहीं, क्योंकि गोकू ब्लैक ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया था और कहा था कि वो जगह डाइसिंगिन को अब्जॉर्ब कर लेगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो एक गहरी सोच में दिखाई देता है। बुलमा उसे बार बार आवाज लगाती है मगर वेजिटा सोच में इतना डूबा होता है कि वो बुलमा की आवाज पर ध्यान ही नहीं देता है।